चैनल, क्योंकि विदनाजिंग सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी है वो है साबुत माँ। साबुत माँ हम कैसे पकाएंगे, इसकी तरकीब क्या है और ये किस तरह बआसानी आप लोग इसको घर में बना सकते हैं, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। ये मैंने 1.5 पाव साबुत माँ ले लिए, साबुत माँ ठीक है। एक प्याज ले लिया, 1 चम्मच मिर्च का, ये आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच जीरे का, ये अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज ब्राउन करके ना, लहसुन अदरक डाल के ना, भून के ना पीसे, मतलब कुकर में पकाते हैं। मतलब मसाला तैयार करना है पहले इसका। हाँ जी। तो हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जल्दी पक जाने हैं ये। ठीक है, तो व्यूअर शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर यहाँ पे हम लोगों ने प्याज डाल दिए कुकर के अंदर, तो इनको हम थोड़ा सा कलर देते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, अभी जो है ना अच्छी तरह ना मैं भून दूँ। पांच मिनट भूनते हैं मसाले अच्छी तरह। जी तो प्याज भी हो गए हैं और मसाले भी डाल दिए हैं मम्मा ने, और अब इसके अंदर जो है हम डालते हैं साथ ना पानी डाल दें, तो फिर वो दाल डाल देती हूँ साबुत माँ। ठीक है, तो दाल को कुछ भिगोने का आइडिया व्यूवर्स को आप दे दें। कुछ लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि दाल को कितनी देर भिगोया जाए, चावलों को कितनी देर भिगोया जाए, किस तरह ज़्यादा मज़ेदार जोन सी है वो दाल बन सकती है, चावल कितनी देर उसको भिगोएं तो अच्छे बन सकते हैं। असल में ना हमारे ना इधर शहर में ना पानी दो तरह के हमारे, एक ज़मीनी पानी है, एक यानी कि सरकारी जिसे कहते हैं वो पानी, दूसरा नहरी पानी, नहरी पानी कहते हैं। ठीक है, जो हमारे जो ज़मीनी पानी है, जो हमारे मोटरें लगी हुई उसका पानी है खारा, नमकीन, उससे हम लोग कपड़े वगैरह सफाई नहा लेते हैं। जो मीठा पानी है ना नहरी, उससे हम खाना पकाते हैं। अगर उससे हम दाल पकाले ना खारे पानी से, तो दाल हमारी गलती नहीं, उससे हम भिगोते भी नहीं। ठीक है, तो ये तो वो मतलब पानी के टाइप्स का हमें यानी कि ये जो है फेस करना पड़ा है शहरी लोगों को। हाँ जी। बाकी जगह पर भी, लेकिन कुछ जगह पर ये जिसको नहरी पानी से मम्मा ने भी कहा, वहाँ पर वही दस्तियाब होता है, वही लोग मतलब अपने जो से है डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं और अपनी जितनी भी हमारी मतलब दाल ना गल जाती है। अगर हम खारे पानी में दाल पकाएं ना, वो हमारी दाल बिल्कुल नहीं गलेगी। ठीक है, तो अब चलो ठीक है, ये तो आपने बता दिया है कि ये भी एक रीज़न है, मतलब अगर आपने उस पानी में भिगोया है जो नमकीन है, मतलब अगर हम शहरी लोगों की बात करें या जहाँ पर दोनों तरह के पानी मौजूद हैं, मतलब कैन आते हैं, जैसे हमारे घर पानी का कैन आता है और जिन लोगों के घर कैन आते हैं लेकिन बाकी रूटीन में वो पानी यूज़ करते हैं दूसरा नमक वाला, और वो दाल इसी में भिगो देते हैं। पानी आता है ना हमारे फिल्टर का, हाँ हमारे तो फिल्टर का पानी आता है, तो अगर आप लोग फिल्टर का पानी आता है तो आप लोग मतलब दाल उसी में पका लेते हैं। हाँ, उसमें पकाएं, उसी में भिगोएं और फिर आप जो दाल है वो अच्छी बनेगी। चावलों का भी ऐसे ही है, आधा घंटा पहले भिगो दे। हाँ ठीक है, चावल तो 10-15 मिनट पहले मैं भिगोती हूँ। क्योंकि अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं ना कि आप हमें बताएं चावल कितनी देर भिगोएं, किस तरह भिगोएं, सही नहीं बनते। तो ये बहुत ही अच्छा मम्मा ने पॉइंट डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि पानी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हमारे बच्चे या वैसे कोई हम लोग भूल के पानी दूसरा डाल लें ना, तो हमारी दाल नहीं गलती, जैसे कहते हैं किसी की दाल नहीं गलती। यहाँ पे भी बस यही मसला, ये बात हम लोग कह रहे थे ना, ना मेरी दाल नहीं गली। हाँ। वो वाली गल, दाल नहीं गलती, नमकीन पानी पाते फिर दाल नहीं गलती। हाँ, दी दाल नहीं कहते गलती। ओके व्यूअर्स, तो उसको मम्मा ने दम पे लगा दिया है, तो फिर इसको गलाते हैं दाल को और फिर आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स अब देखते हैं जो दाल हमने रखी थी पकने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए धुआंधार गर्मा गर्म जो दाल है वो साबुत माँ,
ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। तो वो बिल्कुल फाइनल हो गए हैं, गल गए हैं ना उनके। हाँ जी ठीक है, तो बिल्कुल गल गए हैं, तैयार हो गए। हमने आपके सामने ही प्रेशर कुकर को जो खोला है, तो आप इसमें से निकलने वाला धुआं भी देख सकते हैं कि कितना ये गर्म और गर्मा गर्म जो मतलब दाल तैयार हो गई है। तो इसको करते हैं डिश आउट। ये मज़ेदार दाल आप ज़रूर बना के खाएं। हाँ सास लाभ में वाओ माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है, इसका पानी ही आ रहा है मुंह में। मतलब दाल वैसे यूजुअली मुझे जो सही बताऊँ ना ऑनेस्टली, मतलब आप लोग मेरे बहन भाई मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे दाल दूल कोई नहीं पसंद, मैं दालें दुलें कोई नहीं खाती, लेकिन कुछ कुछ चंद एक दालें हैं जो मुझे पसंद है। वैसे तो माशाल्लाह मम्मा सारा कुछ अच्छा बनाते हैं, लेकिन मुझे पसंद पसंद ये दाल भी खा के राजी, ये गोश्त खा के राजी। हाँ मैं गोश्त खा के राजी, तो लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मैं ये जरूर खाऊंगी। ठीक है मम्मा, इसको तो मैंने कहा चलो आज दाल पका लेते हैं, रोजाना बहुत पकाने का मसला होता है, क्या पकाए रोजाना। हाँ बहुत मसला होता है, तो दाल बना लिए, इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। ये ले जी व्यूवर्स, तो कर लिया है इसको डिश आउट, मज़ेदार सी गर्मा गर्म जो से साबत माँ की रेसिपी हो गई है फाइनल। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी है पसंद आएगी। देखिए आप इसके ऊपर जो घी भी आ गया है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्ती दाल बनी है। आप साथ सलाद बनाएं, अचार लें अगर आपको पसंद है तो आप लोग ले सकते हैं, चावल भी बॉयल कर सकते हैं। तो बहुत अगर इसको प्रेजेंट भी अच्छे तरीके से करें, मतलब सलाद के साथ और साथ अचार हो, चावल हो, अंडे भी उबाल के डाल, रोटी भी हो, हाँ तो फिर बहुत अच्छी तरह से जो खाने में वो आपको टेस्ट देगी। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मेरी देखने वालों सबसे रिक्वेस्ट है कि व्यूवर्स प्लीज़ जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हैं वहाँ पे वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, वीडियो को पूरा देखा करें और हमें अपने फीडबैक देते रहें। हाँ और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आज आए हैं, जिन्होंने इस वीडियो को आज फर्स्ट टाइम देखा है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार देसी फास्ट फूड और हर तरह की जो सी अगर रेसिपीज़ आप लोगों ने सीखनी है। हाँ अगर कोई आप लोग रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमसे वो रिक्वेस्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपकी पसंद की रेसिपी भी ज़रूर कुकिंग विद नाज़नीन में बनाई जाएगी। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें, अपना साथ बनाए रखें और अपना प्यार का इजहार करते रहें। देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।